यस आज हम पढ़े फेयर ट्रायल। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे कोर्ट काम करते हैं, कोर्ट में कैसे जज का क्या काम है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे रूल होता है, उनका क्या क्या काम होता है, रूल क्या क्या होते हैं, ठीक है, इस अकॉर्डिंग वो काम कर रहे होते हैं। अब हम पढ़े फेयर ट्रायल यानी जो पीसी होती है वो कैसी होनी चाहिए, जो अदालत की कार्यवाही है, जो गवाही होती है वो कैसी होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ विजय केस, आपने अभी तक जो केस स्टडी पढ़ी उसमें विजय की स्टोरी दी गई थी, आपने पढ़ा विजय केस व्हाट वुड हैपन इफ विजय केस वाज ट्राइड इन द सीक्रेट प्लेस वेयर नोबडी वाज अलाउड टू वॉच। आपने देखा था ना ओपन में उसकी सुनवाई चल रही थी, ओपन कोर्ट में, ठीक है। अगर क्या होता अगर विजय की जो गवाही थी वो किसी बंद कमरे में किसी गुप्त स्थान पर होती और वहां पर किसी को देखने की परमिशन ना होती तो व्हाट वुड हैपन इफ विजय वाज नॉट गिवन अ डिफेंस लॉयर और इफ द डिफेंस लॉयर वाज नॉट अलाउड टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। अगर विजय को परमिशन ना दी जाती उसको ये क्या कहते हैं आपको उसको विजय को डिफेंस लॉयर ना दिया जाता या डिफेंस लॉयर को ये परमिशन ना होती कि वो गवाहों को क्रॉस विटनेस कर सके तब क्या होता। विजय केस वो विजय's case was held in an open court. विजय का जो केस था वो ओपन कोर्ट में चल रहा था, so everyone including विजय's family could be present और वहाँ पर विजय की फैमिली भी प्रेजेंट हो सकती थी। If the case was held in the secret place, अगर केस को सीक्रेट प्लेस में किया जाता तो the lawyers would have been free to conduct the case in any manner they choose. वो जिस तरीके से भी चाहते लॉयर उसको केस को अपनी तरफ जैसा वो चाहते वैसा वो उसको मोड़ सकते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट एवरीवन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ। संविधान की तरफ से कहा गया हर व्यक्ति को कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है, उसके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। हैविंग एन ओपन ensures that those conducting case do not violate the rule of law. और open court में case जब चलता है तो ये इस बात की निश्चिंतता रहती है कि जो भी case वहाँ पर कहा जा रहा है उसमें जो कानून के rule हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, उनको उनकी अनदेखी नहीं की जाएगी, okay? यानी कानून में कहा गया कि किसी भी गुप्त स्थान पर ले जाकर गवाही नहीं लेनी है, जो भी गवाही होगी या जो भी विटनेस की गवाही होगी वो सब कुछ ओपन मतलब ऐसे होना चाहिए कि सब लोग सुने कि वो क्या कह रहा है, अदरवाइज लोग अपनी मनमानी करेंगे। इफ विजय वाज नॉट अलाउड टू डिफेंस लॉयर, अगर विजय को डिफेंस लॉयर ना दिया जाता हिज राइट द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी वायलेटेड, तो संविधान के द्वारा उसके अधिकारों का हनन होता, उसके अधिकारों को नुकसान पहुंचाया जाता, बिकॉज विजय वुड not have a chance to prove his innocence, और विजय को अपनी वो निर्दोषता साबित करने के लिए मौका ना मिलता कि वो निर्दोष है, वो इस बात को साबित ना कर पाता। Although जबकि विजय was not accused, विजय was accused in the case, जबकि विजय से केस में accused था, उसी ने किया था जो भी, he was given a copy of the charge sheet, उसको एक charge sheet की copy भी दे दी गई थी, so his defense lawyer could prepare the case in his defense. फिर भी defense lawyer ने उसको बचाने के लिए केस को prepare किया। The court also allowed the defense lawyer to cross-examine the witness, और court जो है defense lawyer को allow करता है कि वो गवाहों की cross-examine कर सके, यानी उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन समझ सकते हो ना कि उन्होंने जो बोला उस बात को लेकर जैसे कोर्ट में पूछा जाता है, अच्छा तो उस वक्त आप वहाँ क्या कर रहे थे, आप वहाँ गए थे तो क्यों गए थे, ठीक है, कि क्रॉस एग्जामिन करने में होता है जो भी बोलने वाला है हो सकता है वो कहीं कोई सच बात बोल जाए तो बात सामने आ जाती है। इफ द कोर्ट हैड नॉट इट वुड नॉट हैव नन whether the witness were being truthful or lying, अगर कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन ना हो, ठीक है, तो ये नहीं पता चलेगा कि विटनेस सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, जो मैं बता रही थी आपको क्रॉस एग्जामिन करने का मेन मोटो यही होता है। एंड वी वुड नॉट नो whether विजय वाज इनोसेंस और द गिल्टी, तो फिर पता नहीं चलेगा कि विजय गिल्टी था या इनोसेंस था। जबकि पुलिस ऑल्दो द पुलिस अक्यूज्ड विजय, पुलिस ने विजय को अपराधी के तौर पर पकड़ा,
द जज डिड नॉट अज्यूम ही वाज गिल्टी, बट जज को ये नहीं महसूस हुआ, उसने इस बात की कल्पना नहीं की कि विजय गिल्टी है. इट वॉज द जॉब ऑफ द प्रोसिक्यूटर टू प्रूव बियॉन्ड डाउट, और ये प्रोसिक्यूटर की जॉब है कि वो प्रूफ करे बियॉन्ड डाउट, बिना किसी शक के, दैट विजय वॉज गिल्टी. वो प्रूफ करे, उसको प्रूफ करना है किसी भी, ये नहीं कहना है कि हो सकता है ये चोर हो. जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो पब्लिक की तरफ से आते हैं, जो सोशल, जिनका कहना होता है कि सोशल सोसाइटी को भी नुकसान किया हुआ है इसके चोरी करने से, वो जो वकील होता है जो स्टेट की तरफ से हायर होते हैं, उनका भी काम है, उनको बिना किसी शक के इस बात को प्रूफ करना है कि जो बंदा है वो अपराधी है. ठीक है. द जज वॉज इम्पार्शियल, जो जज है उसको इम्पार्शियल होना है, यानी कि क्या कह सकते हो आप, एक पक्ष का रहना है, अपनी बात पर टिके रहने वाला ऐसा होना, निष्पक्ष रहना है. एंड गेव द वर्डिक्ट बेस्ड ऑन दैट एविडेंस, और उसको कौन से वो देना है वर्डिक्ट, जो उसने एविडेंस देखे हैं. इवन जो आप, यानी जज का कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपको सामने दिखाया जा रहा है, एज अ जज आपको उसी चीज के अकॉर्डिंग अपना वर्डिक्ट देना होगा. दीज फीचर्स मेड द ट्रायल फेयर, और यही सब चीजें जब होती हैं तो गवाही फेयर होती है, एक सही गवाही मानी जाती है. विदाउट दीज फीचर्स, यानी कि कहीं सीक्रेट जगह पर ले जाना, केस को अपने अकॉर्डिंग मोड़ लेना, बिना क्रॉस एग्जामिन के गवाह वो क्या कह सकते हैं अपना फैसला सुना देना जज को, ये क्या है, अनफेयर ट्रायल होगा. सबके सामने फैमिली मेंबर्स के साथ गवाही देना, विटनेस का क्रॉस एग्जामिन होना, और सबूतों और बयानों के मत को आधार बनाकर जज का फैसला लेना, ये फेयर ट्रायल है. दी फीचर मेड द ट्रायल फेयर, विदाउट दी फीचर द रूल ऑफ द लॉ वुड बिकम मीनिंगलेस, जो कानून का नियम है वो अर्थहीन हो जाएगा अगर, जो मैंने आपको एक तरीका और बताया अनफेयर ट्रायल का, वो होता है तो. ओके, अब आपसे आप क्वेश्चंस कहे जा रहे हैं जिनको डिस्कस करना है. इन द केस कंसर्निंग विजय, विजय को ध्यान रखते हुए, व्हाट वुड हैपन इफ द कोर्ट हैड नॉट गिवन अ कॉपी ऑफ चार्जशीट टू द अक्यूज्ड, अगर विजय को चार्जशीट की कॉपी ना दी जाती तो डिफेंस लॉयर केस प्रिपेयर नहीं कर सकता था. ओके, Why is it important for the accused to have a defense lawyer? Accused को defense lawyer देना क्यों important है? क्यों जरूरी है? How does it make the trial fair? और इससे कैसे जो गवाही है वो सही होती है? क्योंकि वो उसका अधिकार है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके. ठीक है? और जब ये होगा तभी अधिकारों का सम्मान होगा और फेयर ट्रायल हो पाएगा. ठीक है? What would be different if the trial was held in the secret location? क्या होगा, क्या अंतर होगा अगर जो ट्रायल है वो सीक्रेट लोकेशन में हो? Would that be fair? क्या वो सही होगा और why? क्यों? तो अगर सीक्रेट उसमें होगा तो लॉयर अपने अकॉर्डिंग चूज करके जो भी उनको केस का, ये जो लाइन यहाँ पर लिखी थी ना, स्टेट कि इन केस इन मैनर दे चूज, वो कंडक्ट कर देंगे केस को जैसा वो चाहते हैं. ओके, और वुड इट, वुड दैट बी फेयर? नो, इट इज नॉट फेयर. वो फेयर नहीं होगा बिकॉज के लिए होगा कि रूल ऑफ द लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहा गया रूल ऑफ द लॉ जो है वो सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए. ओके, फिर अगला पूछा गया, वुड इट बी फेयर If the court assumed Vijay was guilty, क्या यह सही होता कि कोर्ट ये मान लेता कि विजय गिल्टी है शुरुआत से ही? तो ये बात सही नहीं है कि कोर्ट विजय को मान लेता कि वो गिल्टी है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी इनोसेंस साबित करने का अधिकार होता है, और इस बात को प्रूफ करने का काम कि वो गिल्टी है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है. ठीक है, बियॉन्ड द डाउट, बिना किसी शक के वो ये बात साबित करे कि वो दोषी है, तभी, अदरवाइज ये बात गलत होगी. फिर लास्ट पूछा गया, व्हाई इज फेयर ट्रायल इम्पोर्टेंट, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर फेयर ट्रायल होगा, ये जो लाइन यहाँ पर थी, तो द रूल ऑफ द, अगर बिना ट्रायल फेयर ट्रायल के जो लॉ है, रूल ऑफ द लॉ है, वो मीनिंगलेस हो जाएगा. ठीक है, ठीक है,
ये कंप्लीट हुआ हमारा। और लास्ट क्वेश्चन से पूछा गया व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रायल, तो आपसे ट्रायल के फीचर्स पूछे जा रहे हैं जिसमें है एग्जामिन करना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रूफ बियॉन्ड डाउट, जज का एविडेंसेस को देखकर वर्डिक्ट देना, ओके तो ये सारा कुछ था जो हम उसे फीचर्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट सेशन पे आते हैं, व्हाट आर द अदर पब्लिक फैसिलिटीज। मैम ओपन कर लिया। व्हाट आर अदर पब्लिक फैसिलिटीज जो सरकार हमारे लिए करती है, जिनमें पब्लिक फैसिलिटीज कौन कौन सी सरकार हमें देती है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक फैसिलिटीज। सिमरन एंड सत्येंद्र रिसेंटली मूव टू न्यू दिल्ली, इन दोनों ने न्यू दिल्ली में जल्दी ही मूव किया है। सिमरन एक स्कूल टीचर है जबकि सत्येंद्र गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है। उनके दो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। द फैमिली हैज मूव्ड इनटू अ न्यू फ्लैट, फैमिली जो है न्यू फ्लैट में मूव की है, मतलब वो अभी रेंट पर आए हैं वहां पर। दिस फ्लैट वाज प्लीज माइक ऑफ रखिए प्लीज माइक ऑफ रखिए दिस फ्लैट हैज अ रेगुलर वाटर सप्लाई, और जिन लोगों का कैमरा बंद है वो कैमरा ऑन कर ले। दिस फ्लैट हैज अ रेगुलर वाटर सप्लाई, उसमें वाटर सप्लाई रेगुलर है, 24/7 की इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है। एवरी मॉर्निंग बोथ सिमरन एंड सत्येंद्र गो टू वर्क, दोनों सुबह काम को चले जाते हैं। सिमरन वॉक्स टू स्कूल बिकॉज इट इज क्लोज बाय, क्योंकि वो पैदल जाती है क्योंकि उसका स्कूल बहुत पास है, जबकि सत्येंद्र है मेट्रो ट्रेन लेकर जाता है क्योंकि हॉस्पिटल उसके घर से बहुत दूर है। सिमरन एंड सत्येंद्र लाइफ सत्येंद्र लाइफ would be more difficult, उन दोनों का जीवन बहुत कठिन है, if they did not have water, electricity, public transportation and other facilities. आप इस स्टोरी को सब पढ़ के समझ चुके हैं, अगर वहाँ पर सब कुछ ना हो, दोनों वर्किंग है, आपके घर में भी अगर आप देख सकते हो दोनों आपके पेरेंट्स वर्किंग है और जस्ट अ मोमेंट वो रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने का टाइम हो रहा होता है, पानी बंद हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी चले, कितनी ज्यादा एक मैशअप होना शुरू हो जाता है, कितना ज्यादा क्लैश होता है और परेशानी आ जाती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है, अगर उनको टाइम से साधन ना मिले, कनेक्टिविटी अच्छी ना हो तो क्या होगा, वो ऑफिस टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी, फिर डेली बहुत एक हैक्टिक शेड्यूल होगा, इस वजह से उठना है, ये करना, हमें समय से पहले निकलना होगा क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, पानी बंद हो जाता है उसके लिए भी लोग पहले से स्टोर करना शुरू करेंगे, बहुत सारी चीजें आप अपनी डेली लाइफ में जिनके पेरेंट्स वर्किंग है आप देख सकते हैं वो लोग, तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है। लाइक सिमरन एंड सत्येंद्र वी ऑल नीड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इन दोनों की तरह हम सब भी यही फैसिलिटीज चाहते हैं। हम कहीं भी रहते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से मेट्रो कितना है, यहाँ से ऑटो मिलेगा कि नहीं, पानी की सुविधा क्या है, लाइट कैसे आती है, हम सारा कुछ देख कर कहीं भी रहने जाते हैं। दीज रिसोर्सेज आर यूज एंड शेयर्ड बाय मेनी पीपल्स, ये जो चीजें हैं, ये जो संसाधन है, ये लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं और शेयर किए जाते हैं। द मेट्रो ट्रेन इज विच सत्येंद्र ट्रेवल इज यूज बाय लाख ऑफ पीपल इन द सिटी, और जो मेट्रो ट्रेन है ठीक है वो लाखों लोगों के द्वारा शहर में यूज की जाती है। सिमिलरली द इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटर दैट सिमरन सत्येंद्र गेट इन देयर हाउस, और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो उनके घरों में उन्हें मिलता है वो भी उनके द्वारा यूज किया जाता है, शेयर बाय मेनी अदर, और लोगों के द्वारा भी वो बांटा जाता है, यानी सबको मिलता है वो। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आर पब्लिक फैसिलिटीज, समझ गए ये चीज आप, ये पब्लिक फैसिलिटीज हैं। अब आप फिगर नंबर 1-2 देख रहे हैं। पब्लिक फैसिलिटीज आर एसेंशियल फैसिलिटीज दैट फुलफिल अवर बेसिक नीड्स एंड मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल पीपल, ये डिफिनेशन है पब्लिक फैसिलिटीज की। पब्लिक फैसिलिटीज क्या है, वो जरूरी सुविधाएं, जन सुविधाएं क्या है, वो जरूरी सुविधाएं जो दैट फुलफिल अवर बेसिक नीड, जो हमारी बेसिक जरूरतों को पूरा करते हैं और सभी के पास होना जरूरी है, एंड मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल पीपल, जो सभी के लिए होना भी जरूरी है। सैनिटेशन, ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रोड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सारे पब्लिक फैसिलिटीज के एग्जाम्पल हैं। फिर
अब आपको यहाँ पर एक सरामपुर की एक स्टोरी दी जा रही है कि समझने के लिए कि व्हाई द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज टू ऑल, कि सरकार हमें पब्लिक फैसिलिटीज क्यों देती है, फैसिलिटीज टू सरामपुर। सरामपुर इज अ सिटी जहाँ पर एक शहर है जहाँ पर कोई भी पब्लिक फैसिलिटी नहीं है। देर इज नो रेगुलर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जाहिद कैमरा ऑन करना, जाहिद ये सब लोगों ने जो कैमरा बंद कर रखा है ना, जाहिद जाहिद आपको आवाज आ रही है? चलिए, देर इज नो रेगुलर सप्लाई ऑफ क्लीन, वहां पर साफ पीने का पानी नहीं आता और बहुत कॉस्टली मिनरल वाटर की बोतलें मिलती हैं, जैसे ऐसा हम अपने यहाँ देख सकते हैं, बट हमें ऐसे यूज के लिए पानी अलग मिलता है, बट वहां नहीं था। What will happen to those? उन लोगों के साथ क्या होगा? What do not have enough money? और जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है वो कैसे मिनरल वाटर खरीदेंगे? Okay? There is no transportation available for the people. लोगों के लिए वहाँ पे transportation नहीं है, यानी आने जाने का साधन नहीं available है। सिर्फ only those who have their own vehicles can move from one place to another. एक तरीके से आप वो देख सकते हैं, जैसे आप किसी डेवलप हो रहे लोकेशन पर जाकर फ्लैट ले लो। अपने खुद की लाइफ से इस स्टोरी को आप कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ऐसी जगह पर जाकर फ्लैट ले लिया है जहाँ पर कनेक्टिविटी डेवलप होने वाली थी। जब आप कोई फ्लैट देखने जाते हो तो लोगों को कहते हैं ना, बस बहुत जल्दी मेट्रो यहाँ से निकल बन रही है, शुरू हो जाएगी। और आप देखते क्या वहाँ हो, ऑटो कहाँ से मिलेगा? वो वहां से मिलेगा जाकर। तो आपको यहाँ से वहां तक के लिए ऑटो के लिए जाना पड़ेगा, या तो आपके पास अपना साधन हो तो आप यहाँ से वहां तक रोड तक जाओगे। ओके, नहीं है तो क्या करोगे? आपको किसी भी जरूरत के लिए बैठे रहना होगा, हैपनिंग हो चाहे मिस हैपनिंग हो, वेट करना होगा कि कोई आए और मुझे वहां तक ले जाए। ओके, तो वही बात कही जा रही है। ठीक है, जिनके पास अपना साधन है सिर्फ वही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार हो गया, तो जिनके पास साधन है वो तो चले गए, पर आपके पास नहीं है, आपकी हर कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, आप क्या करोगे? बैठे रहोगे, किसके लिए? कोई ऑटो बुला दो, क्योंकि आप तो खुद नहीं जा सकते हो। ठीक है, ऑटो बुला दो। ऑटो कहाँ मिल रहा है? वो 1 किलोमीटर आगे जाके मिलेगा। ऑटो अंदर आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे उनके भी नखरे होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है, यानी खुद का साधन हो तभी वहां सर्वाइव कर सकते हैं। ये बात पूछ रहा है वो, जो मैंने बताया वहां पे हॉस्पिटल नहीं है। आपको कहाँ आना पड़ेगा? मान लीजिए आप कहीं आउटर फ्लैट लिया तो आपको सिटी के अंदर आना पड़ेगा दिखाने डॉक्टर को। हो सकता है देयर इज ओनली वन डॉक्टर हु रन्स ऑन, और वहां पर कोई एक डॉक्टर हो जिसकी अपनी खुद की क्लिनिक है और वो बहुत महंगा ले रहा है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी भी तरह हम फ्लैट ले सकते हैं या वहाँ रेंट पर रह सकते हैं, जो भी कुछ है वो हमारी, बट फैसिलिटीज नहीं है। आपको वहाँ पीने का पानी मिल नहीं रहा है, वाटर सप्लाई वहाँ पे अच्छी नहीं है, आपको ट्रांसपोर्टेशन वहाँ नहीं मिल रहा, इवन डॉक्टर भी जो वहाँ बैठता है उसकी फीस 500 रुपए है, फिर दवाई का खर्चा होगा, टेस्ट बताएगा, तो आप क्या सोचोगे? ये बहुत महंगा लेता है, चलो शहर चलते। कैसे जाओगे शहर? साधन होना चाहिए। द ड्रेन इन द सिटी आर डर्टी, और वहाँ पर जो नालियां हैं सरामपुर की वो बहुत गंदी है। देयर इज नो वन टू क्लीन देम, और वहाँ पर कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग हैं जो पैसा लेते हैं, जिनके पास पैसा है वो कुछ किसी को हायर करके उनकी सफाई करवा देते हैं। जब वो एरिया फ्लड हो जाता है, यानी वो पानी से भर जाता है, विद डर्टी वाटर व्हेन एवर इट रेन, जब बारिश होती है तो वो गंदगी से पूरा एरिया भर जाता है, तो क्या होगा? What will happen to those who live in dirty surrounding? जो उन गंदी जगहों पर रहेंगे उनके साथ क्या होगा? There are no school, even private, except private school. Mostly आप देखते हो जहाँ पर भी ये projects develop होते हैं वहाँ पर सारे बहुत expensive schools open हो रहे होते हैं। Reason? जो low budget के medium class के लोग हैं वो जरूरी नहीं ना कि वो इतने महंगे स्कूलों में पढ़ा सकें, तो उसके लिए क्या करना होगा? What will happen to those children? तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? वो कैसे? उन जगहों पर छोटे स्कूल नहीं होते हैं। ये नोएडा की इसको देखकर, कंडीशंस को देखकर बहुत अच्छे से ये चीज समझ सकते हो कि ये सब चीजें बहुत होती हैं वहाँ पर। लो बजट स्कूल नहीं होते हैं कि हम कम पैसों में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। वहाँ पर लाख 2 लाख वाले वो होते हैं जिनका पैकेज ही आपको
फीस ही उनकी इतनी जा रही है, 25,000 महीना जा रही है, तो बंदा कैसे पे करेगा? पानी भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, सब कुछ कैसे होगा? वहां पर वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज टू ऑल, सबको पब्लिक जन सुविधाएं दी गई हैं, स्कूल हॉस्पिटल ओन बाय प्राइवेट, स्कूल हॉस्पिटल ओन बाय प्राइवेट कंपनीज आर एक्सपेंसिव, जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा स्कूल और हॉस्पिटल खोले जाते हैं या उनके द्वारा, हाँ, वो बहुत महंगे होते हैं, बिकॉज द वर्क फॉर प्रॉफिट, वो लाभ के लिए काम करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई प्राइवेट स्कूल है वो किसके, अपने कमाने के लिए स्कूल खोल रहा है, कोई हॉस्पिटल खुला है तो वो उसने अपने कमाने के लिए खोला है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जो सरकार खोलती है वो प्रॉफिट के लिए नहीं होते, इट इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और ये सरकार का एक मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड दीज बेसिक फैसिलिटीज, ये बेसिक फैसिलिटीज देना बेसिक फैसिलिटीज देना और टू ऑल, सबको बेसिक फैसिलिटीज मिले और सबको फ्री मिले, यानी कि पानी जो है वो फ्री मिलता है, उसका टैक्स जाता है, वो भी साल भर में जाता है, बहुत महंगा नहीं है कि आपको 25 रुपए बॉटल के हिसाब से पे करना पड़े, 30 रुपए 35 रुपए बॉटल पे करना पड़े, उनका 12-13 रुपए का चार्ज होता है जो साल का वाटर टैक्स जाता है, ठीक है। एंड एट एन अफोर्डेबल रेट, और वो हर कोई अफोर्ड कर सकता हो, हर किसी के बस में हो, 12-13 रुपए साल में देना सब कोई दे सकता है, जहाँ पर सप्लाई आती है वाटर की, ठीक है, वहां पर वाटर टैक्स जाते हैं, इवन हाउस टैक्स भी जाता है जो साल भर में जाता है, इसीलिए क्योंकि आप वो जमीन आपने खुद खरीदी पर वो है तो सरकार की ही, आपने उस पर घर बनाया है, तो इसलिए वो साल भर में बहुत बढ़कर वो 100 रुपए तक आता है जो दिया जाता है, बिल तो आपका पता ही, आपको बिल हर महीने पे होता है। इफ प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड दीज बेसिक फैसिलिटीज, अगर यही सारी सुविधाएं, यानी पानी, साधन, हॉस्पिटल, स्कूल, जो भी कुछ है, ये पब्लिक प्राइवेट वाले आपको देते हैं, मेनी पीपल वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड देम, और बहुत से लोग फिर इसको नहीं ले पाएंगे, बहुत लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी उनकी यूज जेब के बस में नहीं है, दे वुड बी अनएबल टू लीड अ डिसेंट लाइफ, और फिर उनके लिए एक सामान्य जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट हैपन व्हेन पीपल कैन नॉट अफोर्ड स्कूल एजुकेशन मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या होगा, व्हाट हैपन पीपल हैव नो ड्रिंकिंग वाटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके, व्हाट हैपन व्हेन देयर आर नो ड्रेन्स और द सैनिटेशन ऑन एरिया, हाउ कैन ईच ऑफ दीज प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, और ये सारी प्रॉब्लम जो आपने अभी पढ़ी कैसे सॉल्व होंगी, ओके। अब आपको ये पढ़ना है पैसेज को और अंडरलाइन करना है, पब्लिक फैसिलिटीज दैट यू थिंक शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन, जो सभी के लिए होनी चाहिए, वेदर दे आर रिच और पुअर, व्हाट हैज बीन डन फॉर यू, एक डन किया गया है, बाकी आपको डन करना है, ठीक है। व्हाट मीनिंग इज ब्लॉक की आपको करनी होगी,